ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਫਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਭੱਜਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਗਰਬਾ ਕਰਨ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਨੇ खबर ते जानकारी दी सांझ पाउण लई साडे नाल पत्रकार परमवीर औलख जुड़े परम CIA इंचार्ज दे उत्ते गाज डिगी है 311 आर्टिकल दे तहत कार्रवाई हो सकती है तां 311 आर्टिकल दी जेकर गल करिए इस विच किहो जिहां मदां ने सजा देण लई बिल्कुल नवजोत सब तो पहलों तो दस दिए कि जी पंजाब हरियाणा हिमाचल सब तो सटीक से स्पष्ट खबर की असी पुष्टि करते हैं कि जिहड़ी असी खबर चलाई थी उससे मोहर लग चुकी है क्योंकि DGP पंजाब का पहला जिहड़ा अधिकारिक तौर पर बयान सामने आ चुका है कि टीनू वाकई ही फरार हो चुके हैं जिहड़ा दीपक टीनू हैगा क्योंकि साडे कोल जानकारी आ गई थी कि रात 2:30 to 3 बजे के करीब वो CIA स्टाफ मानसा जिहड़ी सी पुलिस उसनू लैके जा रही थी तो वह फरार हो चुका है तो एक पहली जिहड़ी असी अधिकारिक तौर पर पुष्टि जिहड़ी आ वह DGP पंजाब ने कर दिती है यानी कि असी कह सकते हैं कि साडी खबर ते मोहर लग चुकी है हुण दूजे पासे जेकर असी आउने आ गाज किससे डिगी है गाज किससे डिगी है वह CIA इंचार्ज जिहड़े हैगे ने उन्हां ते डिगी है जिहड़े कि उन्हां नू मुअत्तल कर दिता गया जिवें कि तुसीं एक्ट की कानून की गल कर रहे हो 311 की सो इस तो यह साबित होंदा है कि आने वाले समय के एक वड्डा असी कह सकते हैं कि एक गाज होर डिग सकती है उन्होंने ड्यूटी तो बर्खास्त भी किया जा सकता है क्योंकि दीपक टीनू जिहड़ा है वह कोई मामूली आदमी नहीं हैगा यानी कि बहुत वड्डा कैप्टन हैगा तो यह सिद्धू मूसे वाले केस के इन सारियां दियां गिरफ्तार हुई क्योंकि CIA तो लैके CID तो लैके इंटैलीजेंस तो लैके CIA तो लैके जिहड़े स्टाफ हैगा SCF स्टाफ हैगा सारियां दियां सारी फोर्सेस जिहड़ियां ने एजेंसीज ने इसे काम से लगियां हुई ने बड़े चिर तो बहुत ही मुश्किल तरीके दे नाल इन्हां नूं काबू किया जा रहा एक एक करके सो इस मामले दे विच फरार हो जाना ते अजे ही एक असीं कह लईए परसैप्शन पंजाब पुलिस दा बन जाना एक बहुत वड्डी गल हैगी है कि CIA स्टाफ दे हत्थों ही वो निकल गया ते विदाउट असीं कह लईए कि नवजोत यह भी सामने आया कि उसनूं हथ खड़ी भी नहीं सी लगी सो एक वड्डी अणगहली जरूर जापदी है हालांकि पिट जरूर थापड़ी असी कह सकते हैं कि पंजाब पुलिस अपनी पिट पिट जिहड़ी आ आपे थापड़ जरूर रही है क्योंकि वड्डे इन्होंने चाहे असी गल कर लीए होर प्रिवत फौजी की गल कर लीए चाहे असी जग्गू भगवानपुरिया की गल कर लीए लॉरेंस बिश्नोई की गल कर लीए इन्हों काबू करके इन्हों रिमांड से लैके बहुत कुछ हासिल किया है तो वह रिजल्ट देखने मिल रहा है जिहड़ी कि सहारना सारे लोग कर रहे हैं पॉलिटिशियन भी कर रहे हैं पर इस दे विचाले एड्डी वड्डी कुताही हो जानी कि एक वड्डा गैंगस्टर होवे नामी गैंगस्टर होवे वह तुहाडी गिरफ्त चों ही बाहर चले जावे सो एक वड्डा असीं कह सकदे हां कि अणगहली होई है ते हुण जाके किते ना किते असीं कह सकदे हां कि पुलिस जिहड़ी है वह जरूर चौकस हो चुकी है क्योंकि CIA इंचार्ज उत्ते गाज डिगी है ते आउण वाले समें दे विच नवजोत इन्हां नूं बर्खास्त भी किया जा सकदा है पर इस दे विचाले असी जेकर दूजा पक्ष देखिए तुसी देखिया होना है कि नवजोत लगातार धमकियां जिहड़ियां ने वो पंजाब पुलिस नूं मिल रही ने असी भी मसरूफ नहीं हैगे असी जेकर असी अपने पत्रकार भाईचारे की गल करिए असी भी मसरूफ नहीं हैगे सानू भी जिहड़ियां धमकियां ने इधरों उधरों कमेंट राही इधरों उधरों आ रही ने सो यह जिहड़ियां धमकियां ने सीधा पंजाब पुलिस नूं लॉरेंस बिश्नोई ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਪੇਜ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੀਨੂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ एक अणगहली असी कह सकते हैं कि पंजाब पुलिस तो हुई है CIA इंचार्ज तो हुई है मानसे तो हुई है सो इसका जिहड़ा रिजल्ट है आने वाले दिनों के घातक भी हो सकता है क्योंकि जेकर इंटेलीजेंस की गल करिए आने वाले समय से एक वड्डी गैंग ठीक है परम जानकारी दी सांझ पाउण लई तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया।